ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू दिस विंडो। मैं अभी गया था इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में गदर 2 के लिए। अमीषा पटेल, सनी देओल और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे और गजब का क्रेज़ है भाई, गजब का। आई थॉट कि कौन आएगा, मतलब सनी देओल को बहुत पुराना एक्टर है, कौन आएगा, बट अमेजिंग क्रेज़ आई। टेक माई वर्ड्स बैक, लोग पागल हैं गदर 2 देखने के लिए। सो बहुत भयंकर भीड़ है सनी देओल को देखने के लिए। एंड नीडलेस टू से, धक्का मुक्की भी हो रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ, मुर्दाबाद पाकिस्तान के साथ, ये नारे भी लग रहे थे और लोग धक्का मुक्की दे रहे थे। आई शो यू हाउ। एंड ऑनेस्टली मैंने इतना वो नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भयंकर भीड़ होगी यहाँ पे, बिकॉज सनी देओल गदर कब आई थी यार, बहुत पहले आई थी। मैंने वो देखी भी नहीं है, सॉरी, बट मैंने फर्स्ट पार्ट गदर की देखी भी नहीं है। और अभी जो गदर आ रही है वो एक्चुअल में मुझे लग रहा है गदर मचा देगी। मुझे लगा नहीं था कि हिट होगी, मुझे लगा कि ऐसे ही कौन देखेगा, करंट जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड कि क्या है गदर। वैसे भी बॉलीवुड के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इतनी खराब मूवीज़ बन रही हैं, गंदी गंदी। मैं तो बॉलीवुड देखना ही बंद कर दिया, बट आई थिंक दिस मूवी इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक जो बॉलीवुड का जलवा है। मतलब अमेजिंग भीड़, पब्लिक पागल है, 3-3 घंटे से लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। मतलब लाठी तो नहीं पड़ रही है, बट धक्का मुक्की हो रहा है उसके लिए, सनी देओल का वेट हो रहा है। वो टाइम पे भी नहीं आया, सनी देओल इज नॉट हियर, एंड पीपल आर लाइक 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है जस्ट टू सी हिम, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर गाजियाबाद में। तो भयंकर भीड़ है, भयंकर क्रेज है सनी देओल के लिए। 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी हिट होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शन है 500 करोड़। चलो बेट लगाते हैं, आप बताओ कमेंट में कितने करोड़ कमाने वाली है गदर 2। 500 करोड़ तो मैंने बहुत कम बोल रहा हूँ लग रहा है, आई थिंक 1000 करोड़ भी कमाने बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बहुत दिनों बाद बॉलीवुड के लिए पब्लिक भूखी है, कुछ अच्छी मूवी बनाओ यार। गंदी गंदी क्या था, जिग्नेश भाई समझोड़दार, एंड फालतू फालतू मूवीज आ रही हैं। मतलब कोई अच्छी मूवी बनाओ तो लोग, पब्लिक वेट कर रहा है, पब्लिक देखेगा, तो लेट्स सी कितना हिट होता है ये। इतने वर्षों बाद आ रही है गदर 2, अभी भी पब्लिक का भीड़, एक्साइटमेंट उतना ही है। लोग पोस्टर भी लेके आए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भयंकर भीड़ है, सनी देओल का क्रेज अभी भी इतना भयंकर है। और बहुत सारे छपरी लोग भी आए थे, आई लव यू सकीना और सन्नी पाजी, आई लव यू, ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। एंड बट या एक गड़बड़ लगा मुझे, कि बिकॉज 4:30 का टाइम था, मैं वहाँ पे रुका 5:30 तक, बट सन्नी देओल नहीं थे, अमीषा पटेल नहीं थी, धमकी दे रहे थे कि भाई नहीं, आप लोग बिहेव कर, वी आर बिहेविंग वेली, ऐसी कोई बहुत धक्का मुक्की नहीं थी। फिर धमकी देते हुए कि हम कैंसिल कर देंगे, अरे भाई कर दो कैंसिल, वी मेक यू, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है 2-2 घंटे लाइन में लग के, तो अगर आप दिखा रहे हो तो मतलब प्यार से दिखाओ। और 20 साल पहले मैं ये सब पहले देख चुका हूँ, जब मैं 20s में था, अभी मैं 40s में हूँ, 20s में भी स्टार लेट आते थे, अभी भी लेट आ रहे हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, द ऑडियंस हैज़ मेड यू, इट्स नॉट अगेंस्ट सनी देओल, इट्स नॉट अगेंस्ट अमीषा पटेल, इट्स अगेंस्ट द बॉलीवुड कल्चर। प्लीज़ कम ऑन टाइम, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, दे आर वेटिंग फॉर यू, डोंट वेस्ट देयर टाइम। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग को देखा, दे लेफ्ट, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट देयर टाइम, दे, आजकल की जनता स्मार्ट हो गई है, 90s जनता नहीं है, दे विल लीव इफ यू डोंट रिस्पेक्ट देम। एनीवेज, एंजॉय द वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो, सब्सक्राइब करो कि और अच्छे से ऐसे वीडियो दिखाऊंगा। खूब सारी सेलिब्रिटीज़ को मैं देखता रहता हूँ, और भी मेरा सेलिब्रिटी सेक्शन देखना, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, गुड बाय, एंजॉय द वीडियो।
ये लाइन देखो आप, ये सारा लाइन जो है सन्नी देओल को देखने आए हैं, अमित शाह पटेल को देखने आए हैं। आई कांट बिलीव दिस। ये ऐसी लाइन दो घंटे पहले भी सेम ही लाइन थी, वहाँ तक गई है लाइन। कम से कम 500 मीटर की लाइन है ये। इतनी लंबी लाइन देख रहे हो लाइन का, कितना लंबा लाइन है। तो लाइन पूरा बैरिकेडिंग देखो आप, लाइन इसके भी आगे बहुत लंबा गया है। बाबर तो ट्रैफिक भी पूरा बाधित हो गया है इसकी वजह से, पूरा भयंकर बैरिकेडिंग। ये लोग तो निकल लिए बिना देखे, बिकॉज इतना हाई सिक्योरिटी, इतना भीड़ भाड़ है। तो सन्नी देओल के लिए पागल बना बढ़ता ही आ रहा है। आई एम श्योर सनी देओल के लिए, अमित शाह पटेल के लिए इतना नहीं है। ऑल दो लोग चिल्ला चिल्ला के आई लव यू सकीना बोल रहे हैं, मेरा नाम भी उड़ गया, सकीना नाम है। मैंने एक्चुअली मूवी देखा भी नहीं है पार्ट वन। गाड़ी पूरा फुल था इसलिए इतना दूर पार्क किया, और बाकी जगह अभी भी पार्किंग नहीं मिल रही है। बोलो अभी भी अंदर बैठे हुए हैं सन्नी देओल के क्रेज में। बापरे